43वां जी एम बैंस ऑल इंडिया लिबरल्स हॉकी टूर्नामेंट फाइनल में पहुंच गया, जहां फाइनल मुकाबला पंजाब एंड सिंध बैंक नई दिल्ली और एएससी बेंगलुरु की टीम के बीच हुआ, जहां दोनों टीमों ने मैदान में एक दूसरे को पूरी भिड़ंत दी। इस दौरान शिक्षा मंत्री पंजाब ओपी सोनी फाइनल मैच में मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे और टीमों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि पिछले कई सालों से यह जो राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है, यह आयोजन कमेटी का सराहनीय कदम है। जो आयोजन कमेटी की मांग है कि उन्हें एस्ट्रो टर्फ मुहैया करवाने की, वह जल्द मांग पूरी की जाएगी। इसके अलावा अकाली नेताओं के पंचायत चुनाव में कांग्रेस सरकार की शह पर धक्केशाही करने के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कोई धक्केशाही नहीं की गई है। हॉकी टूर्नामेंट जो चल रहे हैं की कहना चाहते, पर अभी तक किसी सरकार वालों एस्ट्रो टर्फ की मांग को पूरा नहीं किया गया। देखो मैं समझना जरा नाभा हर साल ही जी एस बैंस जरा आल इंडिया हॉकी टूरनामेंट जरा नाभे से करवाया जाता है। सो ये साल जरा 43वां जरा टूरनामेंट है। सो जितों तक तुसी गल की है सरकार लैवल पर, मैं समझना सरकार का फर्ज भी बनता है, क्योंकि खास करके जरा हाकी टूरनामेंट हाकी जरा साढ़े पंजाब के विरसे जरा मैच जरा हाकी का ये गेम जी जुड़ी है। सो सरकार लैवल पर जिन्ना चर असी प्रमोट नहीं करते उन्ना चर भी मैं समझना साढ़े जड़िया हाकी दिया फुटबॉल दिया या होर गेम प्रमोट नहीं कर सकियाँ। सो हुण अज मैनू इन्हें दस्या इन्हों डिमांड्स ने, सो असी सरकार लैवल पर गल करके सीएम साहब ना गल करके जिहड़ियां कोई मुश्किल आ रही है इन्हों वो असी जरूर ठीक करांगे। मंत्री साहब अजे पंचायती चोण हो रहे हैं पंजाब दे विच, अकालियां दे दोष नूं धक्केशाही हो रही है, कई तां काफ़ी वड्डियां घटनावां वापरियां। देखो गल आ इलैक्शन जिहड़ा पंचायतां दा ये लोकल लैवल का जो पिंड लैवल का इलैक्शन है, ये किसी भी पार्टी नूं मैं समझना ये छड़ देना चाहिए, लोगों ने छड़ देना चाहिए, बड़े फेयर इलैक्शन होने चाहिए ने। सो इस साल भी कितने कोई घटना हुई होगी, बाकी इलैक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है। नावा से राजेश बजाज, सिटी होम न्यूज़।